गांव है छोटा पर सोच नहीं, कहते हैं यहां के लोग कई। क्यों हो गए हैं लोग अनजान, क्यों बदल गए शहर जाकर इंसान, क्यों नहीं समझते लोग यहां औरत पुरुष सब एक समान। क्यों नहीं आज सीना तान के कहते, ये छोटा गांव है हमारी जान, ये छोटा गांव है हमारी शान। If you really want to know more about India's past, present and future, an Indian village is the right place to go. परिवर्तन। परिवर्तन एक संस्था है जिसने सिवान में बदलाव लाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है, और इस बदलाव को लाने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को चुना गया था, इस विश्वास के साथ कि शायद ये बदलाव वो ला सकते हैं। और इसी विश्वास को पूरा करने के लिए छात्र छात्राओं ने सिवान के नरेंद्रपुर नामक गांव में कदम रखा। उद्घाटन समारोह में छात्र छात्राओं ने पंचायती राज से संबंधित जन प्रतिनिधि, मुखिया और सरपंच के साथ साथ ग्रामीण बैंक के जिला संयोजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी से वार्तालाप किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि उप कुलाधिपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार श्री जनक पांडे ने अपने अनुभवों के माध्यम से छात्र छात्राओं को एक नई रोशनी की ओर दिशा निर्देश दिया। मेरा ये सुझाव होगा कि हम यदि इस व्यवस्था में कमी देख रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि जो तंत्र है वो कहाँ कमजोर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और कैसे उसमें सुधार, मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। और एक सुझाव जो मेरी ओर से है जिसको आप समझने का प्रयास करें कि क्या सामाजिक पूंजी को यदि हम जनता पूछना शुरू करें संगठित होकर के, अपने देश में बहुत सारे विभाग पूरे गांव के लोगों ने तय कर लिया कि हम या वोट देंगे तो हम। Entire educational tour offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age where they are ready to absorb, learn and most importantly act. सर्वेक्षण के लिए छात्र छात्राओं ने रुहिया बंगरा, भवराजपुर, गोठी, खेम भटकन तथा भरौली का दौरा किया। Students were divided into six groups according to various thematic areas including education, financial inclusion, decentralized governance, environment, livelihood and gender. The objective of the program was to expose the students to rural life, to improve the quality of life in rural areas, to impart first-hand experience in social research involving data collection and analysis, and to train the students to act as agents of social change. आप लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर का चीज ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ और आना चाहिए, कि जगह बढ़ना चाहिए, डॉक्टर और आना चाहिए, ये टाइप का? The field visit and interaction is expected to raise the innate curiosity of students. विकेंद्रीकरण के छात्र छात्राओं ने नरेंद्रपुर गांव में ग्राम सभा देखा, जहां उनकी बातें वहां के मुखिया से हुई। वहीं छात्र छात्राओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र सभी का दौरा किया, जहां उन्होंने गांव के बच्चों का टीकाकरण होते हुए देखा। साथ ही उनकी बात आंगनबाड़ी सेविका तथा आशा कार्यकर्ता से भी हुई। पर्यावरण और आजीविका के छात्र छात्राओं ने गोठी गांव में तालाब तथा खेतों और मिट्टी का सर्वेक्षण किया, जहां उन्होंने
पानी और मिट्टी का निरीक्षण किया तथा वहां के पेड़ पौधों के बारे में जाना। शिक्षा समूह के छात्र छात्राओं ने सरकारी विद्यालयों का सर्वेक्षण किया। विद्यालयों के पदाधिकारी, अध्यापक और बच्चों से जानकारी भी हासिल की। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं जैसे मध्याह्न भोजन योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल एवं पोशाक योजना सहित और कई अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। साथ ही नियमित और नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से भी वे अवगत हुए। इसके अलावा छात्रों ने वहां के नौवीं और दसवीं कक्षा के बच्चों से संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कई सुझाव भी दिए। आर्थिक समावेश के समूह के छात्र छात्राओं ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का दौरा किया, जहां उनकी बात बैंक के प्रबंधक और अन्य पदाधिकारियों से हुई। यहां उन्होंने छात्रों को विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने स्वयं सहायता समूह तथा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के सदस्यों के साथ वार्तालाप किया। जेंडर समूह के छात्र छात्राएं महिला समाख्या संस्थान गए, जहां उनकी बात वहां के सदस्यों तथा स्टेक होल्डर से हुई। We went into groups in different households. My group was gender, so I went with two more boys, Ashmit and Nilesh. Then we went to five households. The first one, there was a lady who was not at all educated, but she wanted her children to be in a good condition when they grow up. She said ki hum apne bachchon ko apne se bahut aage badhana chahte hain. Hum to kuch kar nahi paaye, lekin hum chahte hain ki mere bachche bahut aage badhe. Finally, what we thought is पहले लाइक विलेजेस को पहले डेवलप करें, तभी बाकी पूरा इंडिया एज अ होल डेवलप हो पाएगा। नहीं तो मतलब जब तक विलेजेस, जब तक रूरल एरियाज नहीं डेवलप होगा, तब तक अर्बन एरियाज के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि फाइनली यहीं के लोग, अगर 100 में से कोई एक पढ़ता है तो वो बाहर जाता है, लेकिन उसका थिंकिंग नहीं बदलता है। वेरियस टॉक शोज, नुक्कड़ नाटक, field visits and surveys were conducted involving government officials such as Commissioner of Tirhut Division Mr. K.P. Ramaya and village representatives to broaden the vision of the students. तो देखा आपने शिक्षा का क्या महत्व है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। अब कदम बढ़ाना पड़ेगा आपको, शुरुआत करना पड़ेगा आपको। They also had the rare opportunity to meet Dr. Kiran Seth, the founder chairman of Speak Meke, which conducted various cultural programs. There's another law, it's a law of Nishkam Karma, Nishkam Seva. It says, to every action, there's a reaction that far exceeds the action, but does not come from where the action is placed. Gets multiplied, and then comes back. But there's a rider. Agar tum expect karoge, khadak se band ho jaye. Students were involved in areas of Madhubani painting, Manjusha art, pottery making and cartooning. यहां प्रातः काल में योगा,
और संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन होता रहा, जहां बच्चे जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेते रहे और आनंदित होते रहे। संध्या काल में खेल कूद जैसे फुटबॉल तथा वॉलीबॉल और अन्य मनोरंजक कार्यों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर खेल का खूब आनंद उठाया। साथ ही साथ यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई धुरंधर कलाकारों ने अपनी कला के रस से सबको सराबोर कर दिया। नौजवान सबों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसका असली अवतार कौन है? उसने बड़ी शान से तलवार की ओर पे हाथ रखा और चिल्ला के कहा कि बजाओ नगाड़े। Students were privileged to make a visit to the house of first President of India, Dr. Rajendra Prasad, in Jiradei village. The last 2 days were dedicated for compilation and presentation of data after statistical analysis. The ones which can be recycled. The major problems that my group identified were less number of bank accounts, less number of officials in banks, short-term cash in banks, and the same problem of communication. They discussed their findings with government officials and Gram Panchayat representatives seeking redressal for the popular grievances. MGNREGA is a very big program. There is corruption. People, I have talked to them, they have said that there are JCB bulldozers. They are doing their work and they are writing their names and they have done their work and they don't have money. Working together in harmony for rural development is the greatest need of the hour. So, it is a matter of singular pride that the students of DPS Patna have made their presence felt by visiting Narendrapur and its adjoining villages, deciding to be the change they want to see in the world. Rural Immersion Program definitely radiates a confidence in our people that if we can do, they can too. It was a very fine experience. बहुत मजा आया हमें शहर से बाहर निकल के 5 दिन गांव में रहने का मौका मिला. It was something that we had never experienced. It was something that everyone should have the taste once in his life, because not everyone gets the benefit of visiting in a rural area and thinking to urbanize it. That village was very backward. I must say that that village does not have any facilities. Sanitation problem, no PHC, no bank, people don't take loans, and people are not aware of their rights, basically, they do not interact with the mukhiyas and with the ward people. They fear, they have some sort of fear, they don't want to develop maybe, or it's a grave problem there, because somehow they have adjusted to their livelihood. They cannot do kind of good business, they don't have proper irrigation facilities, and that's all because they don't have electricity. So I look forward to talk to the government about installing these hydroelectricity plants, because this village has a river, a Sona river, all on the boundaries, and that can be used quite well with to generate electricity. Kuch karna abhi baki hai, kuch samajhna और समझाना अभी भी बाकी है, इन लोगों से कुछ सीखना अभी बाकी है, और बिना किसी परिवर्तन के एक परिवर्तन लाना अभी बाकी है। अपनी सोच के आयाम को बढ़ाना है, स्वयं के अंदर उस छोटे बीज को एक पौधा बनाना है। हमें तो सिर्फ ज्ञान कमाना है, हर सोए हुए इंसान को हमें जगाना है।